हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग देखने वाले हैं चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स पे, थोड़ी इसके फंडामेंटल एनालिसिस कर लेते हैं। पहले स्टॉक के एक चीज़ देखते हैं। पहले मार्केट कैप जो है स्टॉक का वो है 12,000 करोड़, बहुत अच्छी बात है। उसके अलावा हम लोग इसके हाइस पे देखें, इसका ऑल टाइम हाई जो था वो 516 था, और उसका जो करंट प्राइस है 298 है। मेरा भी ऑर्डर, मेरा एवरेज जो है वो 400 के अराउंड है, तो अभी मैं इसको और एवरेज नहीं किया है। उसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट और अच्छी चीज़ पर फोकस करें, तो स्टॉक का जो ROCE है 23.4 है, तो बहुत अच्छी बात है एज़ कम्पेयर टू दूसरे स्टॉक्स। क्योंकि अगर मैंने आपको बताया हुआ है कि जब कोई भी स्टॉक का ROCE जो होता है वो अगर 20 से ऊपर होना तो बहुत अच्छी बात है, और ROE भी ROE जो है वो भी 26.5 है। मतलब मेरे हिसाब से एक्सपेक्टेशन एक इनिशियल आइडियल वैल्यूज जो है वो 20 के ऊपर होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ एक बहुत अच्छी चीज़ है स्टॉक की। उसके अलावा हम लोग इसके फेस वैल्यू पर फोकस करें तो वो 10 है अराउंड, और यहाँ पे बुक वैल्यू जो है 154 है। उसके अलावा अगर हम लोग इसके अगर प्रोस पे देखें, कंपनी के क्वार्टर्स बहुत सही हैं। उसके अलावा कंपनी ने लास्ट 5 ईयर्स में 35.66 का कैगर प्रोवाइड किया है, ठीक है। यहाँ पे कंपनी के अगर हम लोग पीयर्स पर फोकस करें तो पहली चीज़, सबसे पहला शेयर जो है फर्टिलाइजर्स का वो कोरमंडल वाला है। सेकेंड नंबर पर चंबल फर्टिलाइजर्स है, ठीक है। तो यहाँ पे इस स्टॉक की डिमांड काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दूसरे स्टॉक्स। उसके अलावा अगर हम उसके प्रॉफिट से फोकस करते हैं, इसके हम लोग ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट से फोकस करें तो 700, उसके बाद हर ईयर इसने इंक्रीज किया अपने प्रॉफिट्स को, देखा जैसे आपको दिख रहा हो। तो ये एक कंसिस्टेंट कंपाउंडर भी बोल सकते हैं इसको, 2021 में, फिर 2022 में ड्यू 2022 में इसलिए नहीं हुआ क्योंकि क्राइसिस चल रहे हैं, क्योंकि सारे ऑयल प्राइसेस के क्राइसिस चल रहे हैं। उसके अलावा जितने भी एक्सपोर्ट वाली चीज़ें हैं, क्योंकि स्टॉक का अगर आप एक चीज़ देखोगे, स्टॉक का मेन फोकस कहाँ पे है, स्टॉक का जो मेन है वो यूरिया का प्रोडक्शन है। अगर आपको पता हो, रिसेंटली न्यूज़ में आया था कि इंडिया ने अपना श्रीलंका को बहुत लंबी चौड़ी क्रेडिट लाइन प्रोवाइड करी है, क्रेडिट लाइन बहुत ही बड़ी क्रेडिट लाइन प्रोवाइड करी है ऑफ यूरिया, मतलब कि उसने अराउंड 50,000 करोड़ का यूरिया प्रोवाइड किया है श्रीलंका को। तो उसके लिए सबसे बड़ा ऑर्डर कौन है यहाँ पे, अगर आपको दिख रहा हो तो यूरिया का प्रोवाइडर जो है वो चंबल फर्टिलाइजर। चंबल फर्टिलाइजर को इसलिए काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ फेम में है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम लोग इसके प्रॉफिट ग्रोथ पे फोकस करें तो वो अराउंड 5%, 5 ईयर्स का प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो 36% पे है। ईयर ऑन इक्विटी अगर देखें 5 ईयर्स का 27% है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम लोग यहाँ पे लाइबिलिटीज से फोकस करें तो कंपनी के लाइबिलिटीज़ में थोड़ा सा इंक्रीज़ है यहाँ पे, जैसे दिख रहा हो आपको लाइबिलिटीज़ में थोड़ा सा इंक्रीज़ है, क्योंकि यहाँ पे कंपनी प्रोडक्शन ज़्यादा कर रही है, बट साथ में ज़्यादा लोन लेके ज़्यादा प्रोडक्शन करने की कोशिश कर रही है, ठीक है। तो मतलब एक एक्सपेंशन की तरफ कंपनी बढ़ रही है। उसके अलावा अगर हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न्स पर फोकस करें तो प्रमोटर्स के पास एज यूजल 60.46 है, FIS के पास 13.41 है, और DIS के पास 11.33 है, और पब्लिक के पास 14.72 है। मतलब यहाँ पर आपको दिख रहा हो DIS ने थोड़ी बहुत सेलिंग करी है और FIS ने काफ़ी बाइंग करी है। यहाँ पर एक अच्छी चीज़ भी है, FIS ने इस स्टॉक में बाइंग्स काफ़ी ज़्यादा करी है। तो दिस इज ऑल अबाउट फंडामेंटल्स। अगर यहाँ पर हम लोग स्टॉक के लॉन्ग शॉर्ट टर्म पैटर्न पर देखें तो शॉर्ट टर्म में स्टॉक थोड़ा सा मेरे को अभी भी बुलिश लग रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसमें आपको दिखाऊं, तो ये क्रॉसिंग हो सकती है बहुत जल्द। अगर आपको दिख रहा हो ये वाली जो क्रॉसिंग है, ये क्रॉसिंग कभी भी हो सकती है, क्योंकि अगर ये क्रॉसिंग हुई तब जाके स्टॉक एक अच्छे खासे अपसाइड में आ जाएगा। ऊपर से अगर आप वॉल्यूम से थोड़ा फोकस करो पहले के कंपेरिजन में, स्टॉक में वॉल्यूम काफी इंक्रीज हो गया, ठीक है। तो वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, जैसे आपको दिख रहा है वॉल्यूम थोड़ी सी इंक्रीज हुई है, तो यहाँ पे उसी कारण स्टॉक एक अच्छे खासे अपसाइड में भी आ रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे बाइंग्स वगैरह आपको करनी है तो उसके भी लेवल्स में बता दूंगा। बाइंग्स वगैरह करनी है तो अभी देखो, जैसे आपको स्टॉक यहाँ पे दिख रहा है शॉर्ट, ये तो हमारा हुआ, जैसे ये आपको दिख रहा है स्टॉक जो है अपने इस वाले जोन में आ गया। ये वाला जोन जो है हमारा, मैंने बताया था पहले एक्युमुलेशन जोन है, और यहाँ पे हमने बाइंग्स वाला जोन भी, इसको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन भी बोला था। उसके अलावा जो मेरी पर्सनल बाइंग जोन थी वो ये वाली जोन थी, जो मैंने यहाँ से अराउंड अराउंड एवरेज करते करते बाइंग करा था, और अराउंड मैं अभी अपने 11.67% अपसाइड में हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जिसने बाइंग किया होगा कॉन्ग्रेचुलेशन, उसके अलावा जिसने मेरी वीडियोज देख के बाय करा होगा तो वहाँ पे सही है। उसके अलावा अगर हम लोग अभी हमको बाय करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो अभी वेट करो। अगर ये सपोर्ट टूटता है तो इस वाले सपोर्ट पे बाय मत करना, जैसे ये वाला सपोर्ट जो है, अगर ये वाला सपोर्ट अगर टूटता है तो ये इस वाले पे जाएगा और फिर यहाँ से अच्छा खासा बाउंस बैक होगा। तो अगर पहले अभी वेट करो थोड़ा सा जब तक ये सपोर्ट नहीं टूटता, अगर सपोर्ट टूट गया उसके बाद फिर बाइंग्स वगैरह करना है, ठीक है। बट क्या पता ऐसे भी चांसेस हो सकते हैं, बट मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, अभी एवरेज कर रहा हूँ यहाँ इस वाले पूरे जोन में, मैं एवरेज कर रहा हूँ, और फिर मैं अगर स्टॉक यहाँ तक गिरा तो फिर मैं वापस से बाइंग कर लूँगा, ठीक है।
दिस इज ऑल अबाउट चंबल फर्टिलाइजर्स. इफ यू लाइक दिस वीडियो डू हिट सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो. थैंक यू.